बालाघाट जिले में तृतीय चरण में 8 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ। वहीं ग्राम पायली में दूसरी बार सविता सुधीर भीमटे को गांव की जनता ने विजयी बनाया और ग्राम टिकाड़ी में रश्मि तारा कावरे को विजयी बनाया। ग्रामीणों ने ग्राम के विकास को नई राह दिखाने वाले प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाया। सुबह से ही ग्राम की जनता, बड़े बुजुर्गों और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। डीजे की धूम में लोग ने विजयी जुलूस निकालकर पूरे गांव में भ्रमण किया और गांव की जनता का आभार व्यक्त किया। मैडम बताएं आपको, ग्राम टिकाड़ी से गांव की जनता ने अमूल्य वोट देकर विजय बनाए हैं, गांव की जनता के लिए क्या संदेश? गांव की जनता के लिए मुझे जो भी योजना है, सरकार की जो योजनाएं आती है, जो लाभ होता है, वो मुझे उन तक पहुंचाना है। गांव का विकास करना है, महिलाओं का विकास करना है, और मुझे इतना बहुमूल्य वोट दे के उन्होंने मुझे चुना है, तो उनकी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सर, ग्राम टिकाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि हैं आप जी, क्या संदेश है गांव के लिए? ये बहुत ही एकता का संदेश हम परिचय देना चाहते हैं, और हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जो विकास का काम हमको करना है, और सबके साथ मिलकर करना है, सबके साथ विकास करना है, हम एकता का परिचय देना चाहते हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।